मेरा इंतजार नहीं, अपने चकोर का दीदार हो रहा है। एक बार तृष्णा साबित करेगी कि उसके लिए मैं कोई मायने नहीं रखता। जब से राज आया है, इनफैक्ट राज के आने से पहले से ही, तू मुझे ये बता, तू उसमें बुराइयां क्यों ढूंढ रही है? जब जब तूने उसमें बुराइयां ढूंढनी चाहिए, तुझे उसमें अच्छाइयां मिली, तुझे वो अच्छा लगने लगा है, तुझे राज से प्यार हो गया है। यू लव राज तृष्णा। आज आपसे बात किए बिना नींद कहाँ आने वाली थी, इसलिए जो बात आप सुनना चाहते हैं वो बताने आ गई। जो आपसे कहने आई हूँ ना मिस्टर राज, सच कहूँ आपसे, चाहती तो ये हूँ कि वो बात खुद आप तक पहुँच जाए। बात तो बहुत छोटी सी है मिस्टर राज, लेकिन आपके दिल और मेरे दिल दोनों के लिए इस बात को जान लेना बहुत जरूरी। आप जानते हैं जिस चकोर के लिए मैं घर पे सज सवर के घूमती हूँ, जो कभी खिड़की से तो कभी दरवाजे से तो कभी छत से मुझे देखता है, वो और कोई नहीं है मिस्टर राज, आप हैं। तस्वीर से तो कह दिया है, कल आपसे भी कह दूंगी कि आप ही मेरे चकोर। तृष्णा, मैं जानता हूं तुम मुझे याद तक नहीं करती हो। मैं दिन रात यही कोशिश करूंगा कि मैं अपने दिल से तुम्हें निकाल दूं। आज रात मैं आखिरी बार अपने गुनाह का इकरार करता हूं। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं तृष्णा, बेहद। लेकिन कल सुबह तक मैं ये उम्मीद कि तुम मेरी हो सकते हो, अपने दिल से हमेशा के लिए निकाल दूंगा।
राज इन्हें बता तो नहीं दिया ना? या मैं बिना बताए चुपचाप ही इनका दिल चुरा कर ले जाऊं? तुम यहाँ क्या करने आई हो? चोरी। वैसे आप ऐसे सोते रहे, चाय लाई हूँ आपके लिए, ठंडी हो गई तो दोबारा नहीं मिलेगी, पी लीजिएगा। मिस्टर त्यागी, अब जरूरी हो गया है कि मैं आपको उससे मिलवाऊं जिससे मैं प्यार करती हूं। तो शाम को 6 बजे हम उसी आइसक्रीम पार्लर पे मिलते हैं जहां कल रात हम नहीं मिल पाए थे। तुम जिसे मुझे मिलवा रहे हो उसे तो मैं कल रात ही देख चुका हूं, अब आके क्या करूंगा? कैसी तबीयत है तानिया की? थोड़ी वीकनेस तो है पापा, बट बेटर है अभी। मुझे आजकल तानिया बहुत बुझी बुझी लगने लगी। आप तानिया दी की बात कर रहे हो या मिस्टर राज की? राज को ना तूने बहुत नाराज कर दिया कल। हाँ, और आपकी वजह से मेरी आइसक्रीम भी गई थी। ठीक है, तो आज आइसक्रीम खिला दूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है, तानिया दी के लिए भी लाना। ओके। ये आइसक्रीम तो सबको अच्छी लगती, कल तेरी वजह से सबको अपना मन मारना पड़ा। मम्मी, अब आप अपनी बात कर रही है या मिस्टर राज की? सच कहो, राज की। बेटा, तुम राज के साथ छोटी छोटी बातों पे झगड़ा मत किया करो, कभी कभी बात बढ़ सकती है बेटे। ठीक है, तो आज ठंडी ठंडी आइसक्रीम खिलाकर उसे सॉरी बोल दूंगी। क्या बोल देगी? सॉरी। चलो भाई, बधाई हो, ये सॉरी लव्स बोलना तो आया तुझे। ये बता बेटा, तानिया जाग रही है ना? हाँ पापा, वो सुबह से कुछ पढ़ रही है। अच्छा, तानिया, तानिया, अरे तुम तो यहीं आ गई। गुड मॉर्निंग पापा। अरे गुड मॉर्निंग बेटा, भाई तबीयत तो ठीक ठाक लग रही है, कॉलेज जा रही हो ना? पापा मैं सोच रही। देखो, अटेंडेंस कम हो तो प्रॉब्लम हो जाती है, हाँ अगर तबीयत ठीक ना होती तो बात अलग थी। ओके पापा, मैं जाऊंगी। गुड गर्ल। तो देख बेटा, तू बाहर का खाना मत खाना, मैं तेरे लिए टिफिन बना दूंगी, वही खाना। ठीक है? ठीक है मम्मी। आनी, एक चाय मिलेगी प्लीज? जरूर पुत्र, अभी बनाती। वैसे आपने बताया नहीं मिस्टर राज, मेरी वाली चाय कैसी लगी आपको? वैसी जैसे कल रात की आइसक्रीम थी। अरे मंशा, मैंने अभी अभी क्या प्रॉमिस किया तुझे, जरा बता ना, मैं भूल गई। दी, आपने ये प्रॉमिस किया है कि हम सबको आप शाम को आइसक्रीम खिलाएंगी। इस वैन में बात करना वर्जित है। अगर तुमने इस वैन में बैठकर किसी भी तरह की कोई भी बात की तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, वादा है हमारा। हमें तुम्हारी यही अदा तो बहुत पसंद आती है कि हमारे कहते ही तुम्हें हमारी बात समझ में आ जाती है। वाह, ये जो तुम्हारी आंखों से बह रहा है ना, ये हमने हमारी आंखों से भी बहुत बहाया है तानिया जी, बहुत बहाया है, जब तुम हमें कॉलेज में नहीं दिखती थी। अरे ये क्या? आज थियरी की क्लास थोड़ी ना। आज तो प्रैक्टिकल की क्लास है, तुम्हारी हमारी प्रैक्टिकल की क्लास।
अरे हमारा सामान था यहाँ। हमें आभास हो गया कि अब हमारे घर में रोशनी तुम्हारे आने के बाद ही हो सकती है, इसलिए हम हमारे घर के बल्ब निकाल आए। फिर हमने सोचा कि हम इसका उपयोग प्रैक्टिकल क्लास में करेंगे। हाँ, इसलिए हमने इसमें एसिड डाल दिया, तेजाब जानती हो ना? बस बिल्कुल ऐसे ही मूर्ति बनकर बैठी रहो, फिर ना हमें इसका उपयोग करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही तुम्हें इससे घबराने की आवश्यकता है। मुझे घर जाना है। अरे वाह तान्या जी, हमारे मन की बात तुम्हारी जुबान पर आ गई। घर ही तो जा रहे हैं, और घर जाकर हम तुम्हारे गृह प्रवेश की रिहर्सल करेंगे। तुम्हारे गृह प्रवेश की हम रिहर्सल करेंगे। तानिया बेटा, तुम्हारा टिफिन रेडी। आंटी वो तो कॉलेज चली गई। अरे कमाल है, ऐसे कैसे चली गई? इसको मैंने कहा था कि मैं इसका टिफिन तैयार कर रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, खोई रहती है, अब भूखे रह जाएगी देखो। अरे आंटी आप टेंशन क्यों ले रहे, मैं देकर आता हूँ। अरे राज कहाँ गए थे बेटा? अंकल एक्चुअली वो तानिया अपना टिफिन भूल गई थी। तानिया चली गई? अरे अगर उसको जाना था तो मेरे साथ भी जा सकती थी। खैर ये टिफिन मुझे दे दो, मैं उसे दे दूंगा कॉलेज में। एक बात और कहनी थी बेटे, कृष्णा की बातों का बुरा मत मानना बेटे, वो दिल की बहुत अच्छी है। जी अंकल। सी यू बेटा, बाय बाय। अब क्या कहूं अंकल, कृष्णा की हर बात मेरे दिल पे लगती है। यानी कि आपने उनसे झूठ बोला था कि आप किसी और से प्यार करती हो? हाँ मजाक में कह दिया था। ठीक, आपका ये मजाक ना किसी की जान ले लेगा किसी दिन। ओहो, आज शाम को सब कुछ क्लियर कर दूंगी। I'm so excited for you, Trishna. आज की शाम कितनी स्पेशल होने वाली है। उसकी बस वो गलत फहमी मिट जाए, उसके बाद तू देख किस तरह से वो अपना दिल खोल कर तेरे सामने रख देगा। हाँ वैसे भी अब तक वो कितना मायूस लग रहा था ना। ओ हेलो, मायूस था नहीं, मायूस क्या बात है दीदी, मतलब अभी से मैं वो जीजू वाली लैंग्वेज में बात करना शुरू कर। ठीक है, रिस्पेक्टफुली, कितने मायूस लग रहे थे वो, खासकर तब जब कह रहे थे कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो तो किसी और से ही प्यार करती है। नाउ आई अंडरस्टैंड कि वो तेरी बात कर रहा था। बट दी, आर यू श्योर कि वो आप ही के बारे में बात कर रहे थे? नहीं इतनी श्योर तो नहीं हूँ, कभी कुछ कहा नहीं उसने। मैं चीजों को कुछ ज्यादा ही फॉर ग्रांटेड ले रही हूँ। अगर कोई और लड़की निकली जिससे वो प्यार करता है तो? अरे तू नेगेटिव बातें अपने दिमाग में मत ला, बस तू पॉजिटिव होकर आज शाम को राज को जाकर मिल, बस। राइट दी, या तो आर या पार। लेकिन उससे पहले मम्मा की परमिशन भी तो लेनी पड़ेगी। अरे दी, आपकी लव स्टोरी में ये कॉन्ट्रीब्यूशन हम करेंगे, मम्मी से परमिशन हम आपको दिलाएंगे। थैंक यू सो मच। अरे आज तो न्यूज़पेपर पढ़ रही है बड़े ध्यान से। हाँ वो एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज़ छपने वाली है। कौन सी? वही तो ढूंढ रही हूँ। क्या
मिली तेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़? नहीं मम्मी, शायद शाम की न्यूज़पेपर में छपेगी। अच्छा मैं जा रही हूँ। दी शाम को आइसक्रीम जरूर लेकर आना, वरना घर में एंट्री नहीं मिलेगी। मंशा मैं आइसक्रीम लाना तो चाहती हूँ, लेकिन क्या है ना वहीं पे मुझे 4-5 काम है तो लेट हो जाएगा। क्या लेट हो जाएगी तू? दी आपको अगर नहीं लाना है तो साफ साफ बोलो ना, बहाने क्यों बना रही हो? देखो ना मम्मी बहाने बना रही है। बहाने क्यों बना रही है? नहीं नहीं आज ही जाकर सारे काम निपटा लेना, पर आइसक्रीम तो हम खा कर ही रहेंगे। क्यों माँ? हाँ हाँ ठीक है, मैं 1-2 घंटा लेट आऊंगी फिर। क्या इतना लेट? हाँ लेट आऊंगी, कोई बात नहीं, 2 घंटा लेट आना, बट आइसक्रीम जरूर लाना है ना। नहीं 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 मैं तो ये कह रही थी कि टूटी फूटी वाली आइसक्रीम जरूर लाना, आपको वही पसंद है ना। हाँ हाँ टूटी फूटी, और राज के लिए जरूर लाना। हाँ अब जाना तो जल्दी से। हाँ, जाओ जाओ जल्दी। बाय माँ। माँ मिस्टर राज को आइसक्रीम में कौन सा फ्लेवर पसंद है आप मिलकर वही बता दीजिएगा। कमाल है, घर से तो मुझसे पहले निकली थी, अभी तक पहुंची नहीं, रास्ते में रुक गई होगी। नहीं नहीं रास्ते में क्यों रुकेगी भाई, ऐसे भी कुछ आज के बदली बदली सी नजर आती है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा देवी नमो विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा देवी नमो विच्चे। चरण आगे बढ़ाइए तानिया जी। अपने कदम आगे बढ़ाओ। अपने शुभ चरणों से इस कलश को धकेल दीजिए तानिया जी। धकेलिए। आगे बढ़िए। बस रुक जाइए रुक जाइए। इस थाल में अपने चरण को डालिए और हमारी कुटिया को लाल कर दीजिए।